नमस्कार, जेएनआई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशा अग्रवाल। इस वक्त की बड़ी खबर बाराबंकी से आ रही है। समाजवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की विवादित बयान पर बीजेपी एनएलसी पद के निवेदित प्रत्याशी कुर्मी नेता आरसी पटेल ने दिया बड़ा बयान। आइए देखते हैं कुलदीप वर्मा की रिपोर्ट। आप भाजपा के नेता हैं, कुर्मी नेता आरसी पटेल जी, आप ये बताइए, कल जो आतंकवादी के विषय में जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बताया है कि भाजपा सरकार जो हम उनको नीत और उसकी जो सरकार है उसे भरोसा नहीं है, विलंब लगाया है, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी डूबती ही नाव है, इसलिए समाजवादी पार्टी बौखलाई है कि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप न लगाए तो उसके पास बातें करने का बचा क्या है। आतंकवादी पकड़े गए हैं तो उनके पेट में क्यों दर्द हो रही है? अरे आतंकवाद को पालना है क्या भारत में? आतंकवाद का खात्मा करना है भारत से, माननीय नरेंद्र मोदी जी की यही पहल है, माननीय योगी जी की यही पहल है, और राजा तो शक्तिशाली होना चाहिए। यह सौभाग्य है हमारा कि हमारे देश का राजा शक्तिशाली है, हमारे प्रदेश का राजा शक्तिशाली है। मेरे प्रदेश के राजा ने तो खुला कह रखा है कि अगर किसी प्रकार का कोई आतंकवादी उत्तर प्रदेश में दिख जाए तो या तो गोली के घाट जाएगा या फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाएगा। अब कोई आतंकवादी, कोई गुंडा बाहर नहीं बचेगा। अभी देखा होगा आपने, मेदांता से समाजवादी पार्टी का एक गुंडा जो नेता कहती थी समाजवादी पार्टी, आजम खां, वो सीतापुर जेल में चला गया है। इस बात से बौखलाई है समाजवादी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विकास की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी दोहरी राजनीति नहीं करती। जो गल्ला फ्री बांटा जाता है उस गल्ले को मुसलमान नहीं लेता क्या? उस गल्ले को यादव नहीं लेता क्या? उस गल्ले को गौतम नहीं लेता क्या? उस गल्ले को कौन खाता है? ये धन पशु गल्ले को नहीं खाते, उस गल्ले को हर गरीब आदमी खाता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, तमाम छोटी मोटी पार्टियां 10-20 पार्टियां हैं, कोई ऐसी पार्टी नहीं कोई एक आदमी बता दे कि गल्ला लेने से परहेज करता है। अगर कोई हो तो बता दे।